साईं तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा साईं तेरा ही सहारा। कोई नहीं है साईं, कोई नहीं है साईं तुझ बिन हमारा। ओम साईराम, मैं हूँ ऐश्वर्या साईं, आप सबको साई सदा सबुरी टीवी को स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़ी दौर से गुजर रहा है। पिछले दो महीनों से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना के चिंताजनक खबरें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इन दो महीनों में भारत के नागरिकों ने कोरोना जैसे विश्व महामारी का डटकर मुकाबला कर रहा है। सब लोग अपने अपने घर में अपनी और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए रह रहे हैं। इस संकटपूर्ण माहौल में हम जैसे इस मासूम पशु पक्षियों को भूल ही गए हैं कि वे कैसे खा रहे हैं और रह रहे हैं। क्योंकि शादी जैसे सामूहिक कार्यक्रम अब लॉकडाउन के लिए दो महीनों से बंद कर दी गई है, उसे ना ही बचा हुआ खाना फेंका जा रहा है और ना ही उन्हें खाने के लिए मिल रहा है। परम दयालु श्री साईनाथ कहते थे कि जब हमें कष्ट होता है हम बोल देते हैं, लेकिन ये मासूम पशु पक्षी बोल नहीं पाते। इस मुसीबत और बाबा के कथन के अनुसार शिरडी साई मंदिर चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर के कुछ सेवक पिछले 15 से 20 दिन से हर दिन पशु पक्षी के लिए आहार देने जा रहे हैं। पशु पक्षियों को खाने देने के साथ साथ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो उनके पास अभी काम न होने के कारण भूखे हैं, उन्हें भी भोजन दिया जा रहा है। ये सब कार्य मंदिर के कमेटी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। मंदिर के तरफ से ये काम को पुलिस और आम जनता सराहना दे रहे हैं और कुछ लोग अपने स्व इच्छा से इस महत् काम के लिए पशु पक्षी के खाने का सामग्री दान कर रहे हैं। इसी तरह इस मंदिर के कुछ सेविकाएं भी इस मुसीबत में आगे आ रहे हैं। वे बाबा के कुछ बचे हुए कपड़ों से अपने हाथों से मास्क बनाकर मंदिर के तरफ से लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं। जैसे कि ये बाबा के कुछ सेवक और सेविकाएं इस मुसीबत में भी दूसरों की सेवा कर रहे हैं। हम सब प्रार्थना करेंगे कि उन्हें बाबा सुरक्षित रखें। आप भी अपने घर के बाहर कुछ पानी और खाना पशु पक्षी के लिए रख सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए साई सदा सबुरी टीवी। ओम साईराम।